हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेशन प्रोपोर्शन का पहला पार्ट देखा था। आज के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन, वो थोड़े पूरे प्योरली रेशियो के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लग सकता है, बट इसको और आसानी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमने फर्स्ट टू 10 के आगे शुरू किया, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 इसका नाम रखा। इस क्वेश्चन में आपको जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकम ए और बी की किस रेशियो में है, 3:2। मतलब जो कमाते हैं ए और बी, वो रेशियो है 3:2। ठीक है, और जो एक्सपेंड करते हैं वो रेशियो 5:3। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर करने के बाद भी, खर्च करने के बाद भी अगर वो दोनों मिला के 200 रुपये बचाते हैं, तो उनके इनकम का डिफरेंस कितना हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इनकम जो है वो कितनी है, वो आपकी 3:2। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है आपका 5:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, दूसरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो इसे सिमिलर बनाते हैं पहले। इसमें अगर हम कितना 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना रेशियो रहेगा, 6:4। ठीक है, और ये रेशियो यहाँ पे 5:3। अब आप देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, यानी कि अब ये मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इनका जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 200। ठीक है, यहां पे देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 1 के लिए कितना है, 1, ए के लिए कितना है, 1, ऐसे ही बी के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 1, यानी कि 1 का जो भाग है वो किसके बराबर हो गया, वो आपका बराबर हो गया 200। ठीक है, वो बराबर हो गया आपका 200। तो अब पूछा क्या है, इनके इनकम के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2, यानी कि 200 इंटू कितना, 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं इसमें। इनकम राम और श्याम की कितनी है, 8/11। ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर क्या है, रेशियो 7/10। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं, इनकम जो है वो रेशियो क्या है, 8/11। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 7/10। देखिए यहां पे आपको ये चीज आसानी दिख जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, यानी कि ये परफेक्टली पहले से ही मैच है। ठीक है, ये रेशियो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, 1, इनकम और एक्सपेंडिचर डिफरेंस कितना हुआ, 1। ठीक है, ये 1 किसके बराबर हुआ, ये सेविंग, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को हटा दें तो वो सेविंग ही आएगी, यानी कि 1 फिर से किसके बराबर हुआ, 500 ही। ठीक है, तो इनकम का सम कितना हुआ, अब यहाँ पे इनकम का सम कितना हो गया, 11+8 कितना हुआ, 19, वो तो 500 × 19 कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9500। ठीक, ये आ गया आपका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:9, और अगर सी ने अपने में से 500 रुपए बी को दे दिए, दिलदार आदमी है, सी ने 500 रुपए बी को दे दिए, तो जो नया रेशियो है 1:3:8 है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालनी, देखिए यहाँ पे पहले जो रेशियो था वो कितना था, 1, 2 और 9, बाद में रेशियो कितना हो गया, 1, 3, 8। देखिए हमें यहाँ पे ए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ए से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी और सी की बात हो रही है, सी ने बी को दिया, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा सी और बी में आएगा। देखिए पहले सी का रेशियो कितना था, 9, है ना, सी का रेशियो था 9 आपका, और बी का रेशियो था कितना, 2। ठीक है, जैसे उसने 500 रुपए दिए तो सी का रेशियो हो गया 8 और बी का रेशियो हो गया 9, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7, इनके बीच का डिफरेंस 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, तो अब ये जो 1 पार्ट है वो किसके बराबर हो गया, 1 पार्ट जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया आपका 500 के। ठीक है, 500 टोटल सम ऑफ मनी पूछी है, तो 9+2 11, 11+1 12, 500 × 12, तो ये कितना हो गया आपका, 12 × 5 60, और 20 और लगा दीजिए आगे, यानी कि 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लीटर के मिक्सचर जो कि मिल्क और पानी से मिलकर बना है, दूध और पानी से मिलकर बना, उनमें आप दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:1। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। ठीक है,
और फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 2:1 बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बात चली है वाटर को ऐड करने की, जबकि वाटर का रेशियो यहाँ पे सेम दिया है, तो इसे हमें करना है चेंज। कैसे करेंगे चेंज? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया, ये हो जाएगा 6:2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 6:2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6:3। अब सही है, अब जो रेशियो ये चेंज हुआ है वो इसमें चेंज हुआ है, ठीक है। इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 2:1, ठीक है। अब इसको 2:1 बनाना है, यानी कि जो वाटर का रेशियो कितना हो गया 40, रेशियो कितना था 6 और 2, 6 + 2 × 8, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंस 2 - 3 यानी कि 1, तो ये रेशियो कितना हो गया 5, ठीक है। मतलब 5 लीटर हम पानी मिलाएंगे तो ये काम हो जाएगा। अब इसको जरा चेक भी कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए 40 लीटर में दूध और पानी कितना है 3:1, 3:1 है, यानी कि इनिशियली 40 लीटर में दूध कितना है, दूध यहाँ से पता करते हैं हम, 30 लीटर है, तो पानी कितना हो गया 10 लीटर, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने 5 लीटर मिलाया तो ये कितना हो गया, दूध तो 30 लीटर ही रहेगा, पानी कितना हो गया 15 लीटर हो गया, तो इसका रेशियो 2:1 आना चाहिए, 2:1 आना है, 15 से डिवाइड करके दिए तो 2:1 हो, यानी कि हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। 60 लीटर जो कि दूध और पानी से मिलकर बना है, उसमें दूध और पानी का रेशियो है 7:3, और जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये रेशियो हो जाता है 3:7। तो हमें क्या पता करना है कितना वाटर ऐड करना है, तो पहले ये रेशियो है आपका 7:3, ठीक है, बाद में रेशियो हो गया 3:7, वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड किया यानी कि इसके रेशियो को आप सेम कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो पहला हो जाएगा 21:9, और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 49, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। अब 60 लीटर है, 60 बटे कितना हो गया 30, 60 बटे 30 इंटू कितना जो वाटर आपको ऐड करना है, तो 49 - 9 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 40, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आंसर कितना 80। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 60 लीटर है, 7:3 का रेशियो है, यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 60 बटे 10, 6 × 7 = 42, ये रेशियो है यहाँ पे 42 और 18, ठीक है। अब अगर हम इसमें 80 लीटर पानी मिला दें, यानी 80 + 18 = 98 हो गया, 42 और 98, तो ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए, ये रेशियो हो जाएगा आपका 3:7 होगा, 3:7, तो इसको चलिए पहले 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया 6:14, यानी कि अपना आंसर बिल्कुल सही है, 3:17 ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3:7 ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिक्सचर है जो कि अल्कोहल और वाटर से मिलके बना है, तो उनका रेशियो है 8:3, और एडिंग 3 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम 2:1, जैसे हम 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो वो अल्कोहल टू वाटर का रेशियो जो है वो अनुपात जो है 2:1 में बदल जाता है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर में अल्कोहल और पानी जो उसका अमाउंट था उसका डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेशियो कितना दिया है 8:3, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8:3, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो कितना दिया है 2:1 लिख लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। चलिए अब क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस ऑन एडिंग 3 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि इसको सेम कर दो भाई, तो ये तो इधर रहने दो, इसको 8:3 रहने दो, 2 में अगर हम इसमें इस वाले में 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8:2, हमने कितना मल्टीप्लाई किया 4, तो 8:4, ठीक है, यानी कि अभी कितना हो गया ऑन एडिंग 3 लीटर ऑफ वाटर, तो यानी कि 3 बटे कितना 8 × 3 = 11 डिफरेंस कितना है इसका 1, ये नहीं होगा, डिफरेंस पूछा ना हमसे, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 8 - 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 3/5, और फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1,
यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 3/5, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सेम कर दी थी, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये 3/5 मिल गया है, तो इसमें फिर आपको बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, मतलब 3 और 5 में क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, मतलब 3 भाग आपका इसका है और 5 भाग उसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड रुपीज 391 इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शन टू द फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। 3 भाग में काटना है, कौन कौन से पार्ट है, 1/2, 2/3 और यह है 3/4, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे पहले का निकालना है तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे तो यानी कि 3 × 4/2 कितना हो गया, 6 × 2। दूसरा क्या है, ये 2 और 4 ले लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2 यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 2 और 4 आप मल्टीप्लाई करते 8 × 2 = 16, तो ये वाली वैल्यू हो गई 12/2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 × 4 = 8, 8 × 2 = अच्छा ये 2/3 दिया है यहाँ पे, और ये 3/4 डिवाइड बाई 3 × 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन 1/2, 2/3 और 3/4। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल सम आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 12, एलसीएम जो है इसका कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12/2 6 हो गया, ठीक है, और 12 × 2 = 24, 24/3 8, ये आ गया यहाँ पे 8, और ऐसे ही 3 × 12/4 यानी 3 × 3 9, 6 × 2 = 9, ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का सम कितना हो गया, 8, 9, 17, 17, 6, 23, ठीक है। यानी कि 391 डिवाइडेड बाई 23 इंटू, अगर आप 6 करोगे तो आपको ए का पार्ट मिल जाएगा, अगर इसी की जगह आप 8 करोगे तो आपको बी का पार्ट मिल जाएगा, और इसी की जगह अगर आप 9 करेंगे तो आपको सी का पार्ट मिलेगा, ठीक है। टेक्स है 18 पार्ट, डिवाइड 581 इंटू 3 पार्ट सच दैट 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट मे गेट 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड एंड 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए रेशियो जो है 2:1 का, मतलब b:8 का, मान लीजिए ए बी सी है तो b:a का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b:a का रेशियो हो जाएगा आपका, देखिए क्या कह रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट मे बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड एंड 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड, ठीक है। b:a और a:c, ठीक है, a:c निकालना है आपको, a:c निकालना है, यानी कि b:a, यहाँ पे a:c का वैल्यू क्या हो जाएगी, 7:4, और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 4:5, ठीक है, ये वैल्यू है ना। तो अब हम bac का रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे b:a:c कितना हो जाएगा, b:a:c कितना हो जाएगा, ba दिया है 4:5, ac कितना दिया है, 7:4, चलो तो 5 के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और इसके लेफ्ट में क्या है, 7, तो यहाँ पे आ गया 7, तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 28, 5, 35, और ये कितना हो गया, 5, 4, 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो गया 28, 35 और 20। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 581 है, ठीक है, तो 581 डिवाइडेड बाई 28 + 35, 35, 40, 55, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 48 + 35, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 83 × 28, तो आपका ए आ जाएगा, अगर आप इंटू करेंगे 35 तो आपका बी आ जाएगा, और अगर आप इंटू करेंगे 20 तो ये आपका सी पार्ट आ जाएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं, 2430 एक अमाउंट है जिसको 3 पार्ट में भागना है, हमें डिवाइड करना है ए बी सी, ताकि इनका जगह शेयर डिमिनिश हो जाए 5 से 5, 10, 15 डिमिनिश भी हो जाए, तो रिमाइंडर जो है वो कितना रहे, 3:4:5 बचा रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको चलिए देखते हैं, ये क्या करेंगे आप इसमें, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले 2430 में से जो चीज़ माइनस हुई है उसको माइनस कर लीजिए, -5 + 10
प्लस 15, ठीक है, तो 15 10 25, 25 5 30, तो ये कितना हो गया 2400 आपका माइनस हो गया। तो नया रेशियो कितना है 3:4:5, यानी इसका सम कर ले तो 4 + 5 9 9 + 3 12, तो 2400/12, ठीक है। तो अब क्या डिवाइड करना है इतने को, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 12, 2400/12 कितना हो गया 200, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 × 200 × 200 प्लस कितना उसमें डिमिनिश हुआ था 5, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 × 200 प्लस कितना 10, ठीक है। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 × कितना 200 प्लस 15, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 425 को 4 आदमी 5 औरतें और 6 लड़कों के बीच में डिवाइड किया है ताकि इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना रहे 9:4। तो शेयर ऑफ वुमेन, यहाँ पे शेयर ऑफ वुमेन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको, ये रेशियो हो जाएगा आपका 4m = 5 women = 6 boys, ठीक है। तो अब इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 9 = 8 × 5 = कितना हो गया 4 × 6, ठीक है, 4 × 6 हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये हो गया आपका 36 × 8 = 5 = 40, ठीक है, 24। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसको आप चलिए छोड़िए, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब 425 को डिवाइड करना था किसमें, हमें इस तरीके से डिवाइड करना था, शेयर ऑफ वुमेन निकालना था, ठीक है। तो 425 क्या हो जाएगा, 425 डिवाइडेड बाई 36 + 40 + 24, यानी कि होगा 40 + 24 = 64 + 36 = 100, ये हो गया आपका 100 × वुमेन का शेयर कितना था 40, तो ये आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 42.5 × 4 कर लीजिएगा तो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, 10 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे, 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। आई होप आपको जो फास्ट ट्रैक मेथड है वो आपको समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किया था सारी चीज़ें, मैंने केवल जो लास्ट का सोल्यूशन है वो आपके लिए छोड़ा था, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे सॉल्व करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकियों से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि हम इसको आगे और बेनिफिशियल वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू वेरी मच।